sanmış gibi oldu. जेभीम सम्यक न्यूज लाइव बातमीपत्रामध्ये मी विजय निलंगेकर आपलं स्वागत करतो. उत्तर प्रदेशातील हथरस या गावी मनीषा वाल्मिकी या मुलीचा जो क्रूरपणे तिच्यावर अन्याय अत्याचार झाला याचा तेथील सरकार या प्रकाराला दाबण्याचा प्रयत्न करत असतानाच सोशल मीडियावरून त्या घटनेचा निषेध होत आहे. शासन मात्र ही घटना घडलीच नाही अशा प्रकारे कुठेतरी आव्हानात आहे. या मुलीवर शेतात घेऊन जाऊन चार युवकांनी तिच्यावर बलात्कार केला. तिच्या पाठीचा मणका असतो त्या मणकावर एवढा मार दिला की तो मणका तुटलेला आहे. एवढंच नाही तर तिची जीभ सुद्धा कापण्यात आलेली आहे. हा प्रकार एवढा घीण झाला असताना सुद्धा या घटनेचा आता महाराष्ट्रात सुद्धा पडसाद उमटत असून ठिकठिकाणी याचा निषेध केला जात आहे. विश्व के सभी मेरे साथियों को राजरत्न आंबेडकर की ओर से जय भीम नमो बुद्धाय. आज बहुत ही दुख के साथ मैं ये वीडियो बना रहा हूं. आज सुबह ही मुझे मनीषा के मौसेरे भाई का फोन आया और उसने जो जानकारी दी है वो बहुत ही दिल दहलाने वाली जानकारी उन्होंने दी है. हाथरस मामले में अब ये कोशिश की जा रही है कि मनीषा का सामूहिक बलात्कार नहीं हुआ था और इसका चश्मदीद गवाह मैं हूं कि किस तरह से डीएम ये मुझे कन्विंस कर रहा था कि कुछ हुआ ही नहीं है और बलात्कार जैसी कोई घटना घटित ही नहीं हुई. इसका चश्मदीद गवाह मैं हूं कि किस तरह से डीएम मुझे ये सारी बातें समझाने की कोशिश कर रहा था. अब ये बातें मीडिया के माध्यम से दो दिनों के बाद शुरू हो जाएगी कि कोई बलात्कार ही नहीं हुआ था. तो ये सारी जानकारी मुझे जो इनके भाई ने दी है मैं वो ऑडियो थोड़ी देर में आपके लिए चलाता हूं कि क्या बात हुई है. इन्होंने बताया है कि इतने दिनों से जो हम लोगों को मिलने नहीं दिया जा रहा था वाल्मीकि परिवार से, उस दरमियान सभी ठाकुरों ने मिलकर इस परिवार को धमकाया है, डराया है और ये उनसे कहलवाने के लिए उन पर जबरदस्ती की गई है कि मनीषा की हत्या उसके भाई ने की है. मनीषा का कोई बलात्कार नहीं हुआ और उन ठाकुरों ने यह हत्या करते हुए देखा है और इसलिए इन लोगों ने उन ठाकुरों के नाम लिए हैं. तो ये इस तरह का एक दबाव, इस तरह के बयान अब पुलिस के माध्यम से दिए जा रहे हैं और इस परिवार की नार्को टेस्ट कराने की मांग ये डीएम और सभी लोग वहां पर कर रहे हैं. नार्को टेस्ट किसकी होती है? नार्को टेस्ट होती है जो चार लोगों को पकड़ा है आपने उनके नार्को टेस्ट कराई जानी चाहिए. यहां पर जो फिरियाद डालने आया है उसकी नार्को टेस्ट हो रही है. और मैं एक बात आप लोगों को क्लियर बता देना चाहता हूं कि अब अगर सत्येंद्र जो मनीषा का भाई है ये भी अगर ये कहता है कि खून या हत्या, मनीषा की हत्या उसने की है, या परिवार भी अगर कहता है कि वो लोग इन्वॉल्व थे, कोई भी आकर कहता है, तब भी मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि मनीषा ने मरते समय कहा था कि उसका सामूहिक बलात्कार हुआ है. एडीजी कह रहे थे कि पेनिट्रेशन नहीं है, सीमेंट नहीं मिला इसलिए बलात्कार नहीं हो सकता. शायद वो एडीजी को कानून का ज्ञान नहीं है. सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स पढ़ लो. अगर सुप्रीम कोर्ट खुद ये कहता है कि पेनिट्रेशन भी नहीं है, सीमेंट भी अगर नहीं है, लेकिन अगर व्यक्ति कह रही है कि बलात्कार है तो बलात्कार मानना पड़ेगा. और यहां पर लड़की मरते समय कह रही है कि सामूहिक बलात्कार हुआ है और इसलिए इस फैक्ट को कोई भी कोर्ट डिनाई नहीं कर सकता. वर्ल्ड का कोर्ट आप उसमें जाओ, इसको डिनाई नहीं किया जा सकता. और इसलिए ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से मनीषा के इस स्टेटमेंट को दबाया जाए और एक नया स्टेटमेंट परिवार के लोगों से लिया जाए कि जो हत्या हुई है वो इन लोगों ने की है. और उनकी नार्को टेस्ट कौन करेगा? पुलिस. पुलिस किसकी है? उत्तर प्रदेश की. मेडिकल ऑफिसर्स किसके हैं? योगी के. और इसलिए नार्को टेस्ट में भी वही आएगा जो इन लोगों को रिपोर्ट के ऊपर लाना है. और सीबीआई इंक्वायरी की मांग कर रहा था, लेकिन मैं सोच रहा हूं कि सीबीआई भी तो इन्हीं की है. मोदी जो चाहेगा वही सीबीआई इंक्वायरी में आएगा. इसलिए ये एक कमिटी गठित की जाए जिसमें रिटायर्ड जजेस वहां पर हो, शेड्यूल कास्ट के जजेस उसके ऊपर हो और इन लोगों के कमिटी की जांच यहां पर बैठी जाए और इनके माध्यम से ये सारी रिपोर्ट बनाई जाए. और तब तक मैं ये मांग कर रहा हूं कि ये केस
यूपी से बाहर चलाई जाए, दिल्ली में या मुंबई में कहीं पर भी यूपी से बाहर चलाई जाए। और मैं ये कोर्ट में मैंने ये मांग की है, इलाहाबाद कोर्ट में मेरी पिटीशन आज दायर हो चुकी है और मैंने ये मांग की है कि उस परिवार को वहां से हथरस से बाहर निकाला जाए। मैं आप लोगों के सामने जाहिर करता हूं, मैं मुंबई में अपना घर इस परिवार को देता हूं, मेरे घर में ये वहां रहे और इनका सारा जिम्मा हम उठाएंगे, लेकिन उनको हाथरस से बाहर निकाला जाए, क्योंकि वहां पर ठाकुरों के परिवार इन लोगों को मार रहे, पीट रहे। जो ऑडियो आप अभी सुनोगे, ये यहां से पता चल जाएगा कि कितना दबाव वहां पर है। मीडिया तक अब बिक चुका है, मीडिया दो दिन के बाद ये खबरें चलाना शुरू कर देगा कि पैसे के लालच में इस परिवार ने हत्या की है और पैसे के लालच में अब ये ड्रामा कर रहे हैं। तो ये सारा हम लोगों ने महाराष्ट्र में सोनई की जो हत्याकांड हुआ था उसमें देखा है कि किस तरह से बेटे को, माँ को और पिता को मार डालने के बाद उनके ही भाई को फंसाया गया, उनके ही भाई को फंसाकर आज वो परिवार पूरा का पूरा जेल में है, अब भी जेल में। वो 5 साल के बाद आज, 5 साल 10 साल हो गए होंगे उसको, 5 साल के बाद आज किसी को भी उसके ऊपर आज किसी को भी ये पता नहीं होगा कि वो परिवार क्या हुआ है। और इसलिए आज यही लाइन ऑफ एक्शन उत्तर प्रदेश में हाथरस में ये पुलिस करेगी। इसलिए हम लोगों को, हमारे लोगों का बचाव करना है। ये सिर्फ मनीषा को न्याय देने का संबंध और मामला नहीं है, ये हम सभी हमारे बच्चों को न्याय देने का, हमारे बहनों को न्याय देने का ये मामला है। और अगर हम इसमें चूक गए तो हम कभी भी अपने लोगों को, अपने समाज को, अनुसूचित जाति के लोगों को, एसटी को, आज ये हमारे साथ हो रहा है, कल मुसलमानों के साथ होगा, परसों सिखों के साथ होगा, रविदासियों के साथ होगा, वाल्मीकियों के साथ होगा, तब आप कहां जाओगे। और इसलिए मैं आप लोगों से ये विनती करना चाहता हूं कि ये सारा मामला हम लोगों को उत्तर प्रदेश के बाहर लेकर जाना है और वहां पर हमारे परिवार को न्याय देना है। आप जो ऑडियो में मेरा जो संभाषण हुआ, ये आप सुनिए कि कितनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी यहाँ पर हुई है। मेरी बेटी है। हेलो। और हेलो जी, जी सर। हाँ हाँ, आप हाथरस में हैं अभी? मैं अभी अपने गांव में हूँ, मेरे मूल गांव में। अच्छा, ओके। इजलास के पास में, खिसौली में। हाँ तो सर, वो मेरे मामा जी की बेटी है जिसके साथ में ये जो घटना हुई है। हाँ। तो अभी सर इसमें क्या चल रहा है कि वहाँ पे बहुत सारे ठाकुर लोगों ने जो है मीटिंग की है कल या परसों में। हाँ। तो वो लोग इस केस को एक नया ही मोड़ दे रहे हैं कि भाई ये जो लड़की है, लड़की के भाई ने इसको मारा है और ये जो है खेत पर काम करने के लिए गई थी तो ये लड़का जो इससे मिलने गया और उसने देख लिया साथ में, तो लड़के ने ही इसके सिर्फ मतलब इसके भाई ने मार के इसको ये किया है घायल। जी जी, मुझे पता था। मुझे देखिए, ये सेम घटना सोनई में हमारे महाराष्ट्र में हुई थी, ऐसे लड़के को मार डाला और फिर माँ बाप और पूरे फैमिली को उसने फंसाया। तो मुझे ये पता था कि इनका लाइन ऑफ एक्शन यही होगा, इसलिए गाँव को सील करके रखा हुआ है। जी सर। तो ये मुझे पता था, ये इसी तरह से करके फैमिली को फंसाएंगे, इसलिए हम किसी भी तरह से फैमिली को मिलना चाहते थे। मैं हाथरस के उनके गांव के 2 किलोमीटर के अंदर, वहां तक मुझे वहां पर उन्होंने रोक लिया, तो मुझे अंदर जाने देखा सर हमने, हम मुझे वहां जाने नहीं दिया। देखिए, अभी मैं उसी सिलसिले में मैं काम कर रहा हूँ। मैं फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग पिटीशन दायर कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर में मेरी पिटीशन इलाहाबाद हाईकोर्ट में दायर हो जाएगी और हम वो फैमिली को वहां से निकालना चाहते हैं। इसमें सर हम आपके बिना इस केस में चल नहीं पाएंगे सर, मुझे ऐसा लग रहा है कि सरकार भी कहीं हमें न्याय दिलाने में, सरकार ही तो इसमें इन्वॉल्व है, सरकार ही तो इन्वॉल्व है, योगी और मोदी दोनों इन्वॉल्व है इसमें, ये उन्हीं के कार्यकर्ताओं के बेटे हैं सभी लोग। जी जी सर। मैं सिर्फ देखिए, सत्येंद्र जी से मेरी सुबह तक बात चल रही थी, इवन हम आगरा क्रॉस करने के बाद उनसे बात हुई कि हम पहुंच गए हैं 10:30 बजे तक, 11 बजे तक आपके यहाँ आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि आप आइए, लेकिन ये लोग गांव के अंदर किसी को आने नहीं दे रहे हैं। नहीं, वही सर, मैं भी नहीं जा पाया 3 दिन से। वही हमारा आखिरी कॉल हुआ, उसके बाद अभी तक मैं अभी सुबह भी उनको कॉल किया था, दोनों के पिताजी के भी और भाई सतेंद्र के भी फोन बंद आ रहे हैं। तो अब हम कोर्ट से ऑर्डर ले रहे हैं, ट्रैप पे डाल रखे हैं सर उनके फोन कॉल। मुझे पता चला कि ट्रैप किया हुआ है, और क्योंकि मैं पहले ही अंदर पहुंच गया था, डिस्ट्रिक्ट के अंदर पहुंच गया था, और जैसे मैं अंदर आया इन लोगों ने सील कर दिया बाहर। इनको पता नहीं था कि मैं अंदर आ चुका हूं, इनको पता नहीं था मेरी गाड़ी कौन सी है, क्या कौन सी है, और ये चेक नहीं कर पाए कि मैं अंदर आया हूं कि नहीं आया हूं।
मैंने गांव के वहां से ही चंद्रपा के यहाँ से उनको फोन किया था और तब उन्होंने सारा मुझे अंदर जाने से फिर रोक दिया। तो बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस देखा था ये जी सर, कुछ ना कुछ तो इसमें चल रहा है। आप बिल्कुल वहां से ही आए हो बॉर्डर से जहां से गांव के लिए रास्ता है, वो तो हमने सब लाइव देखा है सर। और आपका वो वीडियो जिसमें आपने बोला है कि मैं केस को मुंबई लेके आऊ, मैं अभी एक्चुअली लैपटॉप के ऊपर मैं रीट पिटीशन ही पढ़ रहा हूँ और ये फाइनल करके मुझे 11 बजे तक आज डालनी चाहिए थी। मैं अभी यही फाइनल करके वहां पर इलाहाबाद में सारे हमें वकील खड़े हैं और हम लोग उनसे ये ले रहे हैं, कोर्ट से ऑर्डर ले रहे हैं कि वो फैमिली को वहां से बाहर निकाला जाए। अभी उनके नार्को टेस्ट करवाने का कोशिश कर रहे हैं गवर्नमेंट पुलिस। जी जी सर, जब कल से उन्होंने डीएम योगी जी ने नार्को टेस्ट हत्यारों की होती है, यहाँ पर पीड़ितों के परिवार की कराई जा रही है। क्योंकि सर वो लोग ये प्लानिंग उन्होंने ये रच दिया ना कि ये पीड़ित परिवार ने खुद मारा है पैसे के लिए और खुद ही ये सब ऐसा करवा रहे हैं। देखो पुलिस भी वही है, डॉक्टर्स भी वही है, नार्को टेस्ट करवाने वाले भी वही है। तो नार्को टेस्ट करवाने वाले डॉक्टर्स क्या कहेंगे कि इन्होंने कबूल किया है कि मनीषा की हत्या इन्होंने की है, भाई ने की है, ये नार्को टेस्ट में सिद्ध हो जाएगा। एक तरफ तुमने मनीषा की बॉडी को जला दिया, यानी वहां से हम लोग अपने बेगुनाही की सबूत नहीं ले सकते, और दूसरी तरफ तुम लोग नार्को टेस्ट करके फैमिली को अटकाने की कोशिश कर रहे हो। तो ये बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी, मुझे पता है कि इसी लाइन ऑफ एक्शन पे ये काम होने वाला है। ये ऑलरेडी महाराष्ट्र में हो चुका है, आज भी वो फैमिली जेल में है जिनके बेटे को मारा गया था। वो सोनाई हत्याकांड ऐसा था कि जो बोरवेल के लिए खड्डा ये करते हैं उसमें लड़के के पैर काट के, एक्सो ब्लेड जो होता है ना, कटर बड़ा वाला पैर काटने वाला, उससे उसके पैर काटा गया, हाथ काटा गया, सर काटा गया और वो बोरवेल में छुपाने की कोशिश की गई। जी सर। और इसी मैटर में माँ बाप को अंदर डाल दिया। वो माँ बाप चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे हमको बचाओ, ये महाराष्ट्र में पुलिस इस तरह से काम कर रही है। तो महाराष्ट्र की पुलिस हो, यूपी की पुलिस हो, ये इसी तरह से काम करते हैं। क्योंकि महाराष्ट्र जो आपके यहाँ ठाकुर है वो हमारे यहाँ पर मराठा वही काम करते हैं गाँव में। जी सर। तो एक ही लाइन ऑफ एक्शन इनकी है और इसलिए हमको उस फैमिली को उस गाँव से बाहर निकालना है। मैं 2 दिन में वापस हाथरस में आ रहा, वहां पर वापस अभी आज शाम को या कल सुबह मैं हाथरस के लिए निकलूंगा, दिल्ली के लिए निकलूंगा और फिर वहां पर आ रहा हूँ और उस फैमिली को मैं वहां से निकालना चाहता हूँ। मेरे को सत्येंद्र जी से मेरी बात हो रही थी, मुझे पता नहीं वो कितना कोऑपरेट करेंगे। मैं उन्हें मुंबई में अपने घर पर रखूंगा, यहाँ पर मेरे यहाँ पर रहो, 100% कोऑपरेट करेंगे सर हम आप लोगों को, क्योंकि वही बड़ा हमारा कोई हितैषी ही नहीं हो सकता सर इस बात का, तो पूरा समाज जानता है। नहीं देखो, क्योंकि क्या है ये मामला सिर्फ अभी मनीषा तक सीमित नहीं है, ये उदाहरण देना चाहते हैं कि हम मनीषा के साथ ऐसा कर सकते हैं, हमारा एक बच्चे का बाल भी माता नहीं हो सकता अगर ये ट्रेंड फिट हो गया ना देश में, सभी स्टेट में ये होगा, सभी डिस्ट्रिक्ट में होगा, पूरे भारत में ये होगा और कहीं पर भी आप आवाज नहीं उठा पाओगे, क्योंकि प्रोफेशनल इनके हाथों में है, मेडिकल प्रोफेशनल डॉक्टर चाहे वो रिपोर्ट बना के दे देगा। ये वही हुआ है सर, आप बताइए, आप तो सब जानते ही हैं, क्या बताने की जरूरत है। 14 दिन बाद इस लड़की का 10 दिन बाद में सैंपल लिया गया है, जी, जी। वो रिपोर्ट कैसे पॉजिटिव आ सकती थी। जी जी। तो ये सब कुछ सर हो रहा है उसी हिसाब से हो रहा है जिस तरीके से वो इसे लीड करना चाह रहे हैं। मैं कोर्ट ऑर्डर लाकर मैं वहां पर गाँव में पहुंच रहा हूँ और फिर फैमिली को कोर्ट से फिर मैं उनकी अगर वो मुझे सहमति दे दे कि हम आपके साथ आने के लिए तैयार है तो मैं उन सबको मुंबई लेके आऊंगा। बिल्कुल रेडी है सर, वो और मुझ में कोई खास फर्क नहीं है। ओके। क्योंकि वो हमारा सगाई परिवार है। ओके। आपकी बात हो रही है उनसे किसी माध्यम से? बिल्कुल हो रही है सर, फोन वगैरह, क्योंकि वो दोनों के फोन नंबर तो बंद आ रहे हैं। हाँ उनके बंद आ रहे हैं, लेकिन कुछ रिलेटिव्स हैं, मेरी सिस्टर है वहाँ पे। ओके ओके ओके। पापा जी मम्मी जी मेरे वहीं पे हैं घर पे ही। उन्हें कहो वो लोग अकेले नहीं है, हम सभी लोग देश में सभी लोग उनके साथ है। क्योंकि अब मनीषा वाल्मीकि का परिवार नहीं है, वो पूरे शेड्यूल कास्ट का परिवार है। अगर हम उनको बचा नहीं पाए तो कल हम अपने घर को भी नहीं बचा पाएंगे। मैं मेरी बेटी को नहीं बचा पाऊंगा, मेरे बेटी के घर में घुसकर अगर बलात्कार कर दिया, पुलिस बोलेगी बलात्कार हुआ ही नहीं, डॉक्टर बोलेंगे रिपोर्ट में तो कुछ है ही नहीं, भला आपने आपके बेटी को मार डाला। ये सभी शेड्यूल कास्ट के लोगों के ऊपर ये प्रसंग आने वाला है, इसलिए हमको ये करो या मरो की लड़ाई है, ये मेरे घर का मामला है। जी सर।
जी तो आप साथ में आए हैं तो सर बहुत हिम्मत आई है, नहीं तो ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या होने वाला है, कहीं हमारी जेल नहीं घर वालों की जेल ना करवा देंगे, इस तरीके का माहौल तैयार है। जी 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 और इवन इवन मेरी बाहर भी चल रही है, अभी मैंने ये सारे पेपर्स भेजे हैं, ऑस्ट्रेलिया के लोग वहां पर प्राइम मिनिस्टर को प्रेसिडेंट को ये सारा निवेदन दे रहे हैं, यूएस के लोग दे रहे हैं, यूके के लोग दे रहे हैं, अगर भारत से हमारी आवाज नहीं उठ रही तो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन तक मैंने ये पेपर्स भेज दिए है, जो भी मैंने एफआईआर की कॉपी लाई है, मेडिकल रिपोर्ट लाया है कि एक बच्चे रीढ़ की हड्डी टूटने से और सांस न लेने की वजह से मर जाती है, उसको डॉक्टर और ये लोग कह रहे हैं कि कहीं खरोची नहीं है। अब वो डॉक्टर क्या कह रहा था कि मैंने एक रिपोर्ट ऑडियो सुना है कि कोरोना अगर समझो कोरोना हो जाता तो आपके बेटी की बॉडी तो मिलती नहीं, तो ऐसा समझो कि बॉडी मिली नहीं, ऐसा बोल रहा है वो डीएम, ऐसे बोल रहा था। तो ये बहुत ये कॉन्स्पिरेसी चल रही है। मैंने आपका नंबर सेव किया हुआ है, मुझे आप बताइए, मैं दो दिन में वहां पर वापस जा रहा हूँ। नहीं सर आप आइए, मैं अभी यहाँ पर ही हूँ, मैं 7 तारीख तक छुट्टी में बढ़ा भी लूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। ओके आप वहीं पर हैं, आश्रम में हैं? मैं क्लास में हूँ सर अभी, अपने घर पे हूँ। अपने घर पे? ओके ओके। पापा मम्मी मेरी सिस्टर सब लोग मामा जी के पास है। ओके वहाँ पर है, मामा जी के पास है तो आपके ठीक है। बात अगर उनको सिर्फ इतना ही कहे कि हम उनको वहां से निकालने की कोशिश कर रहे हैं, गांव से निकालने की कोशिश कर रहे हैं और हम उनको कहीं सेफ जगह पर रखेंगे, पूरा समाज उनके पीछे है। जी सर, ये जो मीडिया सर इतना सारा घर पे गया हुआ है, सब लोगों के स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रहे हैं, कोई कुछ बोलता है, अब इनको समझ तो है नहीं सर, ये अनजाने में अपने दुखों में कुछ भी बोलते रहते हैं, तो मीडिया को किसी तरीके से मीडिया इस काम के लिए छोड़ा गया है। मेरे सामने वो बातें हो रही थी, वो त्रिपाठी को लेकर वो डीएम कन्विंस कर रहा था कि अभी देखो दो दिन से अभी ये सारा मामला चेंज हो जाएगा, जो देश मनीषा के लिए खड़ा है ना, कल को वो मनीषा का नाम लेना बंद कर देगा। इस तरह से इन लोगों ने कॉन्स्पिरेसी की हुई है कि मनीषा की हत्या मनीषा के भाई ने की है और फैमिली इन्वॉल्व है ये, और रेप कहीं हुआ ही नहीं है, ऐसा ऐसा ये लोग दिखाएंगे। ये मीडिया को धीरे धीरे मीडिया अपना बोलना चेंज करेगा, जो मीडिया को छोड़ा नहीं जा रहा था आज अचानक क्यों छोड़ा जा रहा है मीडिया को, वो अब पूरे एंगल को डाइवर्ट कर देगा। जी ये इस तरह से काम वहां पर हो रहा है जी। तो हम लोग इसको देख चुके हैं महाराष्ट्र में, हम लोग इस सोनाई हत्याकांड से हम लोगों ने सबक ले लिया है जी सर, तो इसलिए हमको पता है ये क्या आज सोनाई हत्याकांड के लिए कोई रास्तों के ऊपर नहीं आता, क्यों? हाँ। क्योंकि वो मीडिया ने बता दिया कि माँ बाप ने हत्या की थी, बताइए। तो यही मामला हाथरस में होगा, कल मीडिया आपके साथ आज जो जंतर मंतर पे दिल्ली में और सर्विस स्टेट्स में हो रहा है ना, सब लोग छोड़ देंगे, छोड़ो ये अंदर इनका आपस का मामला था। अरे लड़की का डेथ सेंटेंस है, डेथ स्टेटमेंट है कि उसके साथ सामूहिक बलात्कार हुआ है, अब कितना भी आप कुछ भी नार्को टेस्ट करवा लो, नार्को टेस्ट में भी अगर माँ बाप ने कुछ इन्होंने बताया ना कि माँ बाप ने नार्को टेस्ट में ऐसा बताया तो भी वो माना नहीं जाएगा, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में कोई भी मरते समय झूठ नहीं बोलता, ऐसे जजमेंट्स है और उसी को फाइनल माना जाता है। जी सर जी, तो मैं अभी वही पिटीशन फाइनल कर रहा हूँ, मुझे वो ड्राफ्ट फाइल करनी है, मैं आपसे शाम को या आप जब भी फ्री हो शाम को तो मुझे कॉल कीजिए, मैं पूरी हम लोग पूरे टीम आपके साथ है वहां पर है, और मैं वहां पर अभी तो जब तक कोर्ट ऑर्डर मेरे हाथ में नहीं आती तब तक हम वहां पर गांव के अंदर हम लोग जाएंगे, उनके घर तक जाएंगे। जी सर ना? आप आइए सर, मैं यहीं पर रहूंगा, आप आइए, बिल्कुल टच में रहेंगे, मैं सतेंद्र के साथ ही रहूंगा, आपको कोई भी रुकावट नहीं आएगी। ओके 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 जी सर, ओके सर। ये सारा सुनने के बाद आप लोगों को पता चल चुका होगा कि हम लोग कितने अनसेफ है, ये केवल मनीषा का मामला नहीं है, आज अगर ये लोग सफल हो गए इनके कॉन्स्पिरेसी में तो कल ये ही सभी स्टेट में दोहराया जाएगा, पुलिस इन्हीं के एफआईआर यही बनाएंगे, मेडिकल रिपोर्ट यही देंगे, नार्को टेस्ट हमारा ही कराया जाएगा और नार्को टेस्ट में क्या रिपोर्ट देंगे तो वो भी इन्हीं के हाथों में होंगे, यानी हमारे ही बच्चों को मारा जाएगा और हमारे ही लोगों को जेलों में डाला जाएगा। आज शेड्यूल कास्ट के लोगों के साथ हो रहा है, कल आदिवासियों के साथ होगा, रविदासियों के साथ होगा, वाल्मीकियों के साथ तो हो ही रहा है, मुसलमानों के साथ होगा, क्रिश्चियनों के साथ होगा, आज देश के अहम नागरिक के तौर पर अगर खड़े नहीं हुए एक दूसरे के साथ
तो ये आपके घरों में भी दोहराया जाएगा, सबके घरों में ये दोहराया जाएगा। इसलिए समय चलते ही हम लोगों को एक होकर ये लड़ाई लड़नी होगी। जो लोग अन्याय करते हैं वो सामने नहीं आएंगे। रिपब्लिक चैनल के ऊपर मैं अभी थोड़ी देर में FIR लेकर जा रहा हूँ, पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करने जा रहा हूँ कि ये रिपब्लिकन चैनल अर्नब गोस्वामी ये बता रहा है कि परिवार ने 50 लाख के लालच में ये सारा ड्रामा खड़ा किया हुआ है। तब अब इसको भी हम लोग FIR कर रहे हैं कि इस तरह की न्यूज ये लोग चला रहे हैं और शेड्यूल कास्ट की कम्युनिटी को बदनाम कर रहे हैं। सिर्फ मनीषा के कम्युनिटी को नहीं कि शेड्यूल कास्ट के लोग पैसे लेकर इस तरह से 50 लाख लेकर 25 लाख लेकर ड्रामा करते हैं और बलात्कार होने का दावा करते हैं। ऐसे एक पूरे कम्युनिटी के ऊपर इसने सवाल खड़ा किया है और इसलिए इसको भी मैं कोर्ट में खींच रहा हूं कि बताओ कि किस तरह से हमने पैसे लेकर ये सारा ड्रामा खड़ा किया है। तो ये सारा आप लोग, मैं चाहता हूं कि ये आंदोलन अब न्यायालय में तो हम लड़ेंगे, रास्तों के ऊपर भी लड़ेंगे। जब तक इसकी चार्जशीट नहीं बनाई जाती, सप्लीमेंट्री FIR नहीं लिखा जाता, तब तक हम लोगों को ये आंदोलन रास्तों के ऊपर भी और न्यायालय में भी, दोनों में लड़ना है। यही कहने के लिए मैं आज आपके समक्ष आया हूं। आप लोगों ने मुझे सुना, उसके लिए आभार, धन्यवाद। पाहता समेक न्यूज लाइव। बातमी पाहण्यासाठी YouTube वर सबस्क्राइब करा।